दुबे जी, आप चांदीओली उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष भी हैं, उत्तर भारतीयों का नेतृत्व कुर्ला मुंबई में कर रहे हैं। ऐसे में आज कई दिनों से उत्तर भारतीयों की एक पुकार हो रही थी कि पूर्व सांसद, लोकसभा सांसद पूनम महाजन को टिकट नहीं दिया जाए। इसका कारण क्या था? और आज उज्जवल निकम को टिकट देकर लोकशाही और लोकतंत्र की गरिमा को और महान बना दिया बीजेपी ने, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव ये कोई महानगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, राष्ट्रहित की बात होती है इसमें। और टिकट किसको देना और नहीं देना ये पार्टी के हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। उत्तर भारतीय समाज निश्चित रूप से स्वाभिमानी समाज है, वो तो हर समय अपने स्वाभिमान के साथ रहती है। हो सकता है उत्तर भारतीय समाज के स्वाभिमान को कहीं ठेस लगा होगा, तो कहीं उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त किया होगा। हम लोग मतदान करते हैं तो हमको अधिकार है कि हमको मान सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात कहने का लोकतंत्र में अधिकार है। आज उज्जवल निकम जी जो राष्ट्र की एक ताकत है, आतंकवादी, कई आतंकवादियों को बड़े जोरदार मुकदमे लड़कर सरकार की तरफ से सरकार को केस जितवाया और आतंकवादियों को उनको जहन्नुम में पहुंचवाया, उसके लिए आज उज्जवल निकम को यहाँ पे टिकट दिया गया। जनता में काफी खुशहाली का माहौल है और उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को परास्त करने का आज प्रयास किया है बीजेपी ने। मैंने बिल्कुल सही बात है आपका कहना कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को उन्होंने फांसी पर चढ़वाया, बड़ी मेहनत से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उनको टिकट डिक्लेयर होते हुए सबसे पहले फेसबुक पर मैंने चलाया कि उज्जवल निकम जैसा एक व्यक्ति आना चाहिए जिसको जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम है, और पार्टी ने उनको टिकट दिया। हम लोग अपने लोकप्रिय आमदार सम्मानित दिलीप कुमार लांडे जी के नेतृत्व में जितनी मदद हो सके ये करके भारी से भारी मतों से जुटाने का प्रयास करेंगे। आज देखा जाए तो एक हलचल और बहुत बड़ी मची है कि 25 साल पुराना एक विधायक है मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो मिनिस्टर भी रह चुके, काफी लोकप्रिय भी कांग्रेस से थे और यहाँ की लोकप्रियता उत्तर भारतीयों में उनकी थी, लेकिन रिजाइन देते देते उन्होंने एक ऐसा शब्द वापर दिया कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। क्या इसी शब्द को लेके वो उत्तर भारतीय नेता का कर टिकट नहीं दिया गया? अगर कहते तो शायद उत्तर भारतीयों में एक बड़ा उत्साह रहता। बिल्कुल सही बात है, वो कभी उत्तर भारतीय थे नहीं और उन्होंने उत्तर भारतीयों का कभी कोई मान सम्मान नहीं किया। वो 20 साल मुझे लगता है कि मंत्री रहे, 5 साल विधायक रहे और इनके ही कार्यकाल में उत्तर भारतीय यहाँ पर मारे गए, पीटे गए, बड़ी दुर्दशा भी हुई थी। इन्होंने उत्तर भारतीयों का कोई आवाज सदन से लेकर सड़क तक कहीं उठाया नहीं है। वोट के समय में उत्तर भारतीय शब्द जरूर कहते हैं उत्तर प्रदेश में रहने के नाते, और आज उनकी जो सही मानसिकता थी, एक तो अनपढ़ है, उनको उनको मुकदमा लड़ के बताना पड़ा कि मैं चौथी फेल नहीं हूँ, 10वीं पास हूँ, लेकिन ये उनकी मानसिकता आज सामने आ गई कि उनके अंदर इस्लामिकता भरी हुई है कि राष्ट्र का चुनाव था, इसमें हिंदू को टिकट दिया, मुसलमान को टिकट दिया, बात बोलने का ही नहीं था। सिंपल चीज थी कि अगर इस देश को, राष्ट्र को निर्माण करना है तो